दोस्तों सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए आप हमसे अनअकैडमी पर जुड़ जाए, क्योंकि यहाँ पर रेलवे की परीक्षा के लिए क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है। उसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा और उसके बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक्स पर क्लिक करते ही आप हमसे जुड़ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट जॉब सॉल्यूशन चैनल पर। दोस्तों रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2018 के संदर्भ में बहुत बड़ी खबर है ये, जिसके कारण लाखों छात्र परेशान हो चुके हैं और इसके रिगार्डिंग रेलवे बोर्ड के अधिकारी ने सूचना दी है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हो, देख लेते पूरी जानकारी। उसके पहले आपको एक सवाल का जवाब देते जाना है कि इस ग्रह को सुबह का तारा और शाम का तारा कहा जाता है। आपके स्क्रीन पर जो ऑप्शन दिखा रहे हैं इसमें से एक ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके टाइप करके भेज देना और बन जाना स्मार्ट व्यक्ति। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक आप चैनल के साथ नहीं जुड़े तो नीचे आपको सब्सक्राइब का लाल बटन मिलेगा, उसे क्लिक कर दीजिए। बगल के बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली सभी सरकारी नौकरी की अपडेट और रेलवे भर्ती की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते। दोस्तों सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब पर यह नोटिस बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि ग्रुप डी के जो 62,907 पद है जिसे बढ़ाकर 113,546 कर दिया गया है। तो दोस्तों इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, ये जो नोटिस है एकदम फर्जी है और इसकी जानकारी रेलवे बोर्ड के अधिकारी ने दी है। या दोस्तों ग्रुप डी की परीक्षा के पदों में बढ़ोतरी नहीं, ऐसी जानकारी रेलवे बोर्ड के अधिकारी ने दी है और अभ्यर्थियों को सतर्क किया है। रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से ग्रुप डी के लिए आयोजित की जाने वाली भर्ती परीक्षा में पदों की संख्या में कोई संशोधन नहीं किया गया है। बोर्ड की ओर से 62,907 पदों के लिए ही परीक्षा आयोजित की जाएगी। कुछ शरारती तत्वों ने बोर्ड की ओर से सहायक लोको पायलट और टेक्नीशियन के पदों में बढ़ोतरी की लिए जाने वाली नोटिफिकेशन की कॉपी कर ग्रुप डी के पदों में बढ़ोतरी किए जाने की एक फर्जी पोस्ट तैयार कर सोशल मीडिया पर जारी कर दी है। इससे अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति है, जबकि अधिकारियों के अनुसार फिलहाल ग्रुप डी के पदों में वृद्धि नहीं की गई है और ना ही बोर्ड की ओर से कोई सूचना जारी की गई है। अजमेर रेलवे भर्ती बोर्ड के चेयरमैन आलोक मिश्र ने अभ्यर्थियों को केवल बोर्ड की अधिकृत वेबसाइट पर जारी की गई सूचनाओं और जानकारियों को विश्वसनीय मानने की सलाह दी है और इस पर रोक प्रतिबंध लगाने के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड एक काम करने जा रहा है। दोस्तों इस तरह की गलत सूचना और जानकारियों से अभ्यर्थियों को बचाने के लिए भर्ती बोर्ड आवश्यक उपाय करने पर विचार कर रहा है। अधिकारियों के अनुसार प्रयास किए जा रहे हैं कि बोर्ड की वेबसाइट पर जारी किए गए पत्रों और जानकारियों में वाटरमार्क अथवा अन्य कुछ ऐसा बारकोड डाला जाए जिससे उसे फर्जी तरीके से कॉपी कर इस्तेमाल नहीं किया जा सके, जिससे अभ्यर्थी सोशल मीडिया पर इस तरह की फर्जी पोस्ट से गुमराह ना हो। तो ये रही बहुत बड़ी अपडेट और बहुत बड़ी खुशखबर आप सभी के लिए कि अब फर्जी पत्रों पर रोक लगने वाली है, जिससे अभ्यर्थी असमंजस में ना रहे। और दोस्तों आपके मन में जो सवाल पैदा हो रहा है कि ग्रुप डी के पद बढ़ाए जाएंगे या नहीं, तो आप 100% निश्चित हो जाइए, क्योंकि ग्रुप डी के पद 100% बढ़ने ही वाले। लेकिन ये जो करंटली जो नोटिफिकेशन है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, ये एकदम गलत है, फर्जी है और इस पर आप विश्वास ना रखें। और आपको ऐसी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप रेलवे भर्ती बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देखें, वहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी तक ये जानकारी पहुँच सकें।